हमारे पास टॉपिक है सीएसएस का फ्लैक्स बॉक्स। सही है। अब सबसे पहले देखते हैं कि फ्लैक्स बॉक्स होता क्या है, फ्लैक्स बॉक्स करता क्या है। हमारे पास बुक में किसी किस्म का ऐसे ऐसा टॉपिक जो था अवेलेबल नहीं था, तो हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं सीएसएस फ्लैक्स बॉक्स। ठीक है। अच्छा अब इमेजेस पर आ जाते हैं। सही है। और उसके बाद फिर हम इनकी जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। जब भी आपको कोई भी लेआउट डिजाइन करना होगा, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बार बार बताया था कि आपको जो है उस लेआउट को सबसे पहले कुछ सेक्शंस में ब्रेक करना होगा या छोड़ना होगा। कॉपी में एड्रेस कर लेता हूँ। ठीक है। ये इन्होंने एक डायग्राम बनाकर दिखाई है फ्लैक्स बॉक्स के जरिए। एक ये सेक्शन है आपके पास और एक ये सेक्शन। सही है। अब एक ये सेक्शन हो सकता है जिसको आप एक डिव बोल सकते हो। फिर उसके बाद एक कंटेनर हो सकता है जो कि मेरे माउस को आप देखना ब्लू यहां से लेकर पूरा होगा, जिसके अंदर दो सेक्शन होंगे, सेक्शन नंबर 1 सेक्शन नंबर 2। ठीक है। अच्छा उस सेक्शन में भी जो है जो लेफ्ट पर आपका सेक्शन है उसके अंदर पहला सेक्शन ये है और दूसरा सेक्शन ये है। फिर जो आपके पास राइट साइड का सेक्शन है उसके अंदर एक ही सेक्शन है और लास्ट में आपके पास कुछ नहीं है। इसी तरह ये जो आप हाइट और विड्थ देख रहे हो ये किस तरह मैनेज करनी है, हाइट विड्थ की प्रॉपर्टी हटाकर। याद रखो क्या कह रहा, ये हाइट और ये विड्थ किस तरह मैनेज करनी है, हाइट और विड्थ की प्रॉपर्टी को हटाकर वो किस तरह देखेंगे, हम फ्लेक्स बॉक्स से देखेंगे। ठीक है। इस पर भी आप देख सकते हो कि तीन सेक्शन इधर है, तीन सेक्शन इधर है और लास्ट में आपके पास एक इधर है। और कोई एग्जाम्पल अगर आपको सही नजर आती है तो ये। ठीक है। अब जैसे आपके पास चार आपके पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट हैं, उनको अगर किस तरीके से दिखाना हो, ठीक है, एक तो आपने पढ़ा था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक पढ़ा था, जो आपके पास जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं उनको इनलाइन अगर आपने शो करवाना हो तो वो आप किस तरह करेंगे। ठीक है। आज हम उसको एक और प्रोफेशनल तरीके से देखेंगे और हम उसको जो है एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह के बॉक्सेस किस तरह क्रिएट होंगे, सेम हाइट के सेम विड्थ के और एक के बाद एक आ जाए और जगह ना बचे तो नीचे चला जाए, तो ये वाली चीजें किस तरह करेंगे ये आज हम करके देखेंगे। ये भी बड़ी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। और अगर मैं कोई वेबसाइट खोलूं जैसे कि नॉर्थ, सही है, ये आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं। ये बॉक्सेस कैसे बनेंगे, लाइक ये आपके पास सिर्फ डिव का कंटेनर हो सकता है ऐसे ही, उसके अंदर एक इमेज है, एक हेडिंग है, फिर उसका टेक्स्ट है और फिर चार के बाद नीचे है, फिर कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आया हुआ है, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स हो गया। ये मेरी बनाई हुई वेबसाइट है, इसमें कंप्लीट काम मैंने किया। ठीक है। ये जो एनिमेशन आपको सब कुछ चलता हुआ दिख रहा है ये मैंने खुद की हुई है। ठीक है। अगर प्रैक्टिस करते रहोगे आपसे भी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा जिस तरह सारा काम। ये एरो के ऊपर कैसे गया ये तो करना आता है ना। आप एक एंकर टैग में आईडी बता के हैश की आईडी ए पे बताओगे तो वो डायरेक्ट पोजीशन पर ले जाएगा। अब ये स्मूथ किस तरह चल रहा है, लाइक ये स्मूथ किस तरह चल रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी को भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। वापस आते हैं और अपना फ्लेक्स बॉक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, तीन डिव बना लेता हूँ। डिव सही। और हर किसी को जो है हमने एक क्लास भी देते हैं और कुछ टेक्स्ट भी देते हैं, पैराग्राफ। अभी पी यूज नहीं कर रहा हूं मैं, कोड सबको सही दिख रहा है या जूम इन करना है। सही है। ओके। और लोअर और सही है। पैराग्राफ 1 सही करते हैं स्ट्रोक्स और
ओके पहला पैराग्राफ हमारे पास हो गया और इसे भी कॉपी कर लेते हैं। और हमारे पास हो गया अनदर पैराग्राफ विच इज पैराग्राफ नंबर 2। ठीक है, और आते हैं पैराग्राफ नंबर 3। सेव करते हैं, आउटपुट जाकर देख लेते हैं, कोई खास बात नहीं है, सब एक जैसा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हर टिप को जो है मैं एक क्या दे रहा हूँ जाकर, क्लास, क्योंकि मुझे डिफरेंट कलर चाहिए। ठीक है, क्लास डिव डैश 1। स्क्रीन यहां पर नहीं आ रही, शायद ओके नजर आ रहा है सबको। सही है, डिव क्लास 1 और अनदर वन क्लास 2 क्लास 3। अब हम आते हैं सीएसएस में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से, उनको हम सबसे पहले सेट कर देते हैं, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। ठीक है, अब मैं आता हूँ डॉट डिव डैश 1, यही थी डिव डैश 1 2 3, और बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ ब्लू। इसी तरह तीनों डिव को सेट कर देता हूँ, येलो ग्रीन। येलो नहीं, येलो सेट करते हैं और अब जरा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास जो है 3 सेट हो गए हैं क्या देव। ठीक है, थोड़ी देर पर मार्जिन सेट कर देते हैं। मार्जिन के लिए क्या करूंगा, अगर मुझे एक ही प्रॉपर्टी तीनों डिव्स में चाहिए तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आप क्या करो, एक डिव लगा दो बस और उसमें पैडिंग सेट कर दो ताकि तीनों में ना लगानी पड़े, 5 पिक्स। सही है, और कलर भी हम इसमें सेट कर देते हैं व्हाइट कलर, बस तीनों में नहीं लिखनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा सेट हो गया हमारा। हाँ, येलो को बाद में देख लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडिंग हमारे पास पिन कर रही है इसको मैं आज जाके रिमूव कर देना, उसकी मुझे अभी ले। ठीक है, ये मेरे पास 3 क्या हो गए पैराग्राफ। ठीक है, अच्छा अब मैं चाह रहा हूँ ये मुझे किस तरह दिख रहे हैं, ये मुझे वर्टिकल दिख रहे हैं। देखो, अगर आप देखो, ये आपके पास 1 हो गया, उसके नीचे 2, उसके बाद नीचे 3, क्यों, ये आपके हैं ब्लॉक लेवल है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है एक कंटेनर बना लेता हूं। इसका मैं एक कंटेनर बना लेता हूं, div डॉट कंटेनर CONTAIN। ठीक है, div डॉट कंटेनर सेव करते हैं, वापस आते हैं, कोई फर्क नहीं आया, सिर्फ एक स्पेस आ गया, वो क्यों कौन बता सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैडिंग 5 पिक्सल दिया हुआ है। सही है, अगर इसको यहाँ से हटा दे अब हट जाएगा, अब हट गया वो यहाँ से। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, जो मेन कंटेनर है मेरा कौन सा, ये वाला, इसको मैं हटा रहा हूँ, डॉट कंटेनर CONTAIN। इसको मैंने दे दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, सबसे पहले मैंने दिया डिस्प्ले फ्लेक्स। सही है, कुछ चीजें मैं आपको लर्निंग पर्पज के लिए जो है गलत भी करके दिखाऊंगा और फिर उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, कोई भी चीज याद नहीं करना, दोबारा बता। ठीक है, मैंने कंटेनर को दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर आउटपुट देख लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, उसने मुझे जो मेरे ब्लॉक लेवल एलिमेंट था उसको सेट कर दिया एज अ इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये देखो, ये आपके पास जब मोबाइल, आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, तो डिस्प्ले फ्लेक्स जो है वो वेब पर, चाहे आप किसी भी फ्रेमवर्क पे काम करो, वो आपके जो फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है उसको जो है रॉ कर देता है। ये इस पे रॉ कर दिए। ठीक है, रॉ आ रहा है। सही है,
जो आपके पास वर्टिकल होता है उसको हम कहते हैं कॉलम। अब अगर मैं इसको कॉलम में सेट करना चाह रहा हूँ या मैं इसको रॉ में सेट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले आपको जो प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी एलिमेंट पर वो है डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, अब आपको इसकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन। मैं इसको बता देता हूँ कॉलम। ठीक है, कॉलम मैंने सेट कर दिया तो वो पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई आपका जो है डिस्प्ले फ्लेक्स से वो आपको इसको रॉ करना है, तो फिर आप प्रॉपर्टी लगाओगे डिस्प्ले फ्लेक्स फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। ठीक है, अभी आपके पास रॉ को है। ठीक है, तो ये आपके पास इंटरव्यू पे सवाल आ सकते हैं कि भाई जो डिस्प्ले फ्लेक्स है वो वेब पे डिफॉल्ट पर आपको फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ कर देता है, इज दैट ट्रू और फॉल्स? तो क्या आंसर दोगे? ट्रू। ओवरराइड नहीं कर रहा ये, देख भाई फ्लेक्स डायरेक्शन दूसरी दफा इस वजह से लिखे कि जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो अप्लाई हो जाए। जाहिर है, ये तो मैं कितनी दफा बता चुका हूं, अगर मैं ये बताऊं कि इसको हटाते हैं, कलर बता दिया ब्लू, इसके नीचे ब्लैक बता दूं तो क्या आएगा? इसके नीचे अगर कोई दूसरा कलर बता दूं तो क्या आएगा? तो लास्ट प्रॉपर्टी अप्लाई होगी ना, ये चीज क्लियर है? सही है, वापस आते हैं जी। डिफॉल्ट पे रॉ अप्लाई कर देता है वेन डिस्प्ले फ्लेक्स ओनली वेब में। जब मोबाइल पे काम करोगे तो उसको बताना पड़ेगा कि फ्लेक्स डायरेक्शन क्या सेट कर। ठीक है, ये इंटरव्यू का सवाल भी। अब अगर थोड़ी देर के लिए दोबारा कॉलम पर आते हैं, ठीक है, तो पहले ब्लू आ रहा है, फिर येलो और फिर रेड रॉ पर आ जाते हैं। येलो आ रहा है, नहीं ब्लू आ रहा है, येलो आ रहा है और फिर ग्रीन आ रहा है हमारे। ठीक है, दोबारा आता हूँ किसके पास? फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन, अब मैंने बोल दिया कि हम जरा इसको हटा देते हैं रॉक, ऐसे ही था पहले। ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन, अब मैं इसको बता रहा हूं कॉलम रिवर्स, कॉलम रिवर्स। ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की मैं बात नहीं कर रहा। कॉलम रिवर्स से क्या होगा हमारे पास? जो हमारे पास लास्ट में था वो आपके पास टॉप में चला जाएगा। रिवर्स इसी को कहते हैं, 1 से लेकर 10 तक अगर काउंटिंग है तो रिवर्स ऑर्डर में 10 9 8 चलेगा। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर इसी चीज को कहते हैं। और अगर हम इसको बंद करते हैं यहाँ से और रॉक ओपन कर देते हैं, अब इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से, और अब हम करके देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन। रॉ रिवर्स, ठीक है, तो जो आपके पास राइट वाला डेटा था वो लेफ्ट से स्टार्ट हो गया। यहां तक क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, जो मेरे पास डिव 1 2 3 जो है उनको मैं क्या करता हूं कि डिस्प्ले फ्लैश और फ्लैश डायरेक्शन क्लियर है? सही, इस वाले कंटेनर को मैंने कमेंट कर दिया है। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा और अब मैं देखूंगा मेरे पास क्या है। मेरे पास डिव है और उसके अंदर क्या है? 3 हमारे पास चिल्ड्रन है। ठीक है, मैं जरा कंटेनर को भी जाके कमेंट कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आपने करके देखने के होता क्या है। ठीक है, अब अगर मैं डिव की बात करूं तो वो इन तीनों डिव को टारगेट करेगा एक साथ, तीनों डिव को एक साथ टारगेट करेगा क्योंकि हमारे पास कोई कंटेनर नहीं। ठीक है, वापस आते हैं और अब सिंपल डिव को जो है करके देखते हैं कि अब क्या होता है हमारे पास। डिव डिस्प्ले फ्लेक्स सेव करते हैं और वापस आते हैं, उसमें कोई चीज आपके अप्लाई नहीं करी। ठीक है, अब हम क्या करके देखते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या रॉ, वापस आता है, कुछ अप्लाई नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या देखा कि डिस्प्ले फ्लेक्स और फ्लैश डायरेक्शन रॉ, उसके लिए क्या जरूरी है कि एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड हो तो उन पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करेगा। अभी आपके पास क्या था? आपके पास एक डिव था मेन और उसके अंदर 3 डिव थे। सही है, 3 डिव थे, तो उसने क्या किया कि जब आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया पेरेंट को
अब उसने बोला कि हाँ भाई, अब आप जो है फ्लेक्स डायरेक्शन से उसको कॉलम को रॉ कर सकते हो, रॉ को कॉलम कर सकते हो, कॉलम रिवर्स कर सकते हो, रॉ रिवर्स कर सकते हो, ठीक है। तो पेरेंट का लगा हुआ होना इम्पोर्टेंट है, ये बात क्लियर है? वरना फिर आपने भी करके देख लिया, वो किसी के सामने रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई मैं जो हूँ इसको फॉलो करूंगा, ये जो आपका इनर कंटेंट है। क्यों? क्योंकि आप डेव की बात कर रहे हो और डेव के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या करूं। ये बात क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो क्लास कंटेनर है, इसको दोबारा ओपन कर देते हैं और मैंने इसको दे दिया डिस्प्ले, फ्लेक्स और फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ, बस इतना दे दिया मैंने। अब देखो, समटाइम्स आपके पास ऐसा हो सकता है, अगर हम फेसबुक अगर किसी ने वेब पे खोला हो, तो आपके पास एक यहाँ पे बार आ रहा होता है लेफ्ट पर और एक राइट पर बार आ रहा होता है, बीच में आपके पास टाइम लाइन आ रही है, ठीक है। मैं अगर चाह रहा हूँ कि यार जो बीच वाला कंटेंट है ना, वो जरा ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, और जो लेफ्ट और राइट वाला कंटेंट है वो मेरे पास ज्यादा बड़ा ना हो। अच्छा, अभी हम जो है इस चीज को अप्लाई करने से पहले जरा अब ऐसा करते हैं, चेक करके देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिव है या नहीं रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट क्लास में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, मेरा लैपटॉप है, हो सकता है कि आपकी स्क्रीन का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा हो, 1080 का साइज, डिफरेंट स्क्रीन के जो साइज होते हैं, इवन के मोबाइल, आप जो प्रोडक्ट बनाओगे वो हर डिवाइस पर चलनी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। अब अगर मैं इसको आपके सामने ऐसे सेट करता हूँ, ठीक है, और इसको ट्रैक करके जो है लेकर आता हूँ, कंटेंट खराब हो रहा है? नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स, ठीक है, कंटेंट आपका किसी सूरत खराब नहीं हो रहा, ठीक है। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है बिल्कुल देखेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स जो है, या फ्लेक्स बॉक्स का जो टॉपिक है, वो आपके पास मेनली क्या कवर करवाता है कि भाई आपने जो है वो विदाउट रिस्पॉन्सिवनेस, आप अपने जो कंटेंट है, जो एलिमेंट आप काम कर रहे हो वेबसाइट का, उसको रिस्पॉन्सिवनेस के जरिए कैसे कंट्रोल करोगे यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये और ये सेम विड्थ के हो, लेकिन ये जो है इनके डबल विड्थ का हो, ठीक है, यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स। हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो हर एक डिव को देनी पड़ती है जब आप 1 2 3 पे काम करोगे। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, मैं वो डिव 1 को दे रहा हूँ, विच इज फ्लेक्स ग्रो 1। यहां पर मैंने 1 दिया और दोनों को भी मैं जाकर 1 देकर आया, इधर भी 1 दी हुई है और इधर भी 1। अब जाकर जरा चेक कर लेते हैं कि फ्लेक्स ग्रो ने 1 ने क्या किया, सेव करते हैं और आउटपुट जाकर चेक कर लेते हैं, कोई आउटपुट नहीं है वहां, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास सेकेंड वाला है उसको मैंने 2 कर दिया है, जो मेरे पास राइट और लेफ्ट पर है उसको मैंने 1 किया हुआ है, सेव करते हैं और आउटपुट पे जाकर चेक करते हैं, किसी किस्म का आपके पास आउटपुट नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पर इसको पॉज कर देते हैं, अभी हम इस पर आएंगे, ठीक है। अब हम डिफाइन करते हैं, और किसी के पास कोई तरीका बताओ, अगर मुझे विड्थ से करना हो तो कैसे करूंगा, कहां पर ये चाहिए और ये सेम विड्थ का, और इनकी जो विड्थ है वो इसकी डबल विड्थ होनी चाहिए। अगर विड्थ से मैं सेट करूं, विड्थ से मैं करना चाहता हूं, कितने कितने दूंगा इसको, 25 इसको 25 इसको 50, ऐसा पॉसिबल है, ऐसे काम हो सकता है, उससे रिस्पॉन्सिवनेस खराब होगी हमारी नहीं होगी, आके देखते हैं जरा। मैंने क्या बोला था, जब रिस्पॉन्सिवनेस वाली बिट्स में काम करोगे तो क्या यूज करोगे, परसेंटेज, ठीक है। बिट्स में आया यहाँ पर और मैंने इसको लगा दिया 25%, डिप 3 पे लगा दिया 25% और डिप 2 पे लगा लिया 50%, सेव करते हैं और वापस आते हैं, ठीक है। एक तो आपके पास ये सोल्यूशन है, और अगर हम इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करें, वो फिर भी किसी स्क्रीन पर खराब नहीं होगा, ठीक है, चाहे आप जितना मर्जी ट्रैक करके उसको आगे ले, ठीक है। तो
ये किस तरीके से चेक करना है कि कब किस बॉक्स को किस हवाले से सेट करना है, ये आपकी लॉजिक है। सही है कि आपने कब ज्यादा कंटेंट राइट पर दिखाना है, लेफ्ट पर दिखाना है, सेंटर में दिखाना है, तो ये मैनेज करना आपकी लॉजिक है। ठीक है, ओके। अब इस पूरे कंटेंट को जो है हम थोड़ी देर के लिए जो कमेंट आउट कर, सही है। ओके, अब आ जाता हूँ मैं इस पूरे कंटेंट पर और इसको भी खत्म कर देता हूँ, और एक डिव के साथ हम 2 या 3 H1 लगा देते हैं। एक डिव है हमारे पास और उसके अंदर हमारे पास है 3 H1, H2 मल्टीप्लाई 3 टैब। ठीक है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3। पेज पर वापस आते हैं, ये हमारे पास 3 हेडिंग है और क्लास H2-1। सही है, H2-2, H2-3। सेव करते हैं और वापस आते हैं, चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, डेव मुझे उस तरह करना है, इसको रॉ रिवर रॉ में करना है, तो उसके लिए क्या करूंगा? सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसको ऐसे सेट कर, ठीक है, मेरे पास अब वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब मैं उसको सेट कर देता हूँ, अब मैं उसको सेट कर देता हूँ जो मेरे पास क्लासेस थी इसकी, डॉट क्या था, H2-1 बैकग्राउंड कलर ब्लू वायलेट, और उसके बाद जो हमारे पास 2 वाली है उसको मैंने कर दिया ऑरेंज, उसके बाद हमारे पास 3 है लाइट ग्रीन। ठीक है, अच्छा आप जरा चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, हमारे पास कुछ इस तरीके का। ठीक है, थोड़ी सी पैडिंग सेट कर देते हैं हम पूरे H2 में, तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट H2 लिख देते हैं, पैडिंग ठीक है। अच्छा, अब जो है आपने देखा कि मुझे जो है इनको सेम विड्थ का करना है। सही है, आप जब कंटेनर डिव से काम कर रहे थे तो उसने तो अपने आप को ऑटोमेटिक सेट कर दिया था, ऐसे सिनेरियो में जब आप हेडिंग पे काम कर रहे हो तब ऐसा नहीं हो रहा। अब डिव पे काम कर गया था, हेडिंग पे काम नहीं कर रहा, दोबारा से समय क्या गया, जब आपने डिव के अंदर डिव थे, सही है, जब आपने डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ किया था, उसने अपने आप को ऑटोमेटिकली सेट कर दिया था सेम बिट का, कर दिया था नहीं कर दिया था, लेकिन जब हेडिंग पे काम कर रहे हो इसका कंटेंट क्योंकि कम है, तो उसने जो है अपने आप को क्या किया है, जितना कंटेंट है बस उसके हवाले से अपने आप को सेट करा है, अदरवाइज उसने कंप्लीट विड्थ नहीं दी है आपकी। सही है, ये चीज क्लियर है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि तीनों जो है सेम विड्थ के हो जाएं, तीनों जो है सेम विड्थ के हो जाएं। अगर मैं बोलूं कि 33 33 33 तो भी 99 आएगा, 1% का फर्क रह जाएगा। सही ऐसा है, सही है, तो मैं क्या करता हूँ तीनों के पास जाके अब मैं अपनी वो वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ जो मैंने वहां पर कमिट कर दी थी, विच इज फ्लेक्स रो 1। ठीक है,
और थ्री क्या यूज करी है, फ्लेक्स ग्रो रूल की प्रॉपर्टी वन, सेव करते हैं और आउटपुट जाके चेक करते हैं। जो आपके जितने भी एलिमेंट थे उसने तीनों को सेम विड्थ के हिसाब से आपके स्क्रीन को पे सेट कर दिया। अब अगर आप इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक करो किसी स्क्रीन पर, उसको कहीं पर भी मसला नहीं आया। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है? ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि यार जो राइट और लेफ्ट वाले हैं वो एक विड्थ के रहे, लेकिन जो सेंटर वाला है वो उनकी डबल विड्थ का रहे। मैं क्या करूंगा, इसको जाके H2 वाले की प्रॉपर्टी को जाके 2 कर दूंगा, और H के यहाँ पर जाके हम टेक्स्ट को भी सेंटर में कर देते हैं। उसके लिए तो आसान सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करते हैं, वापस जाकर देखते हैं, जो मेरा फर्स्ट और सेकंड था वो सेम विड्थ का हो गया, और जो मेरा सेकंड वाला था वो डबल विड्थ का हो गया। सेम काम मैंने पहले विड्थ से करके दिखाया था और अब फ्लेक्स ग्रोथ से करके दिखाया। दोबारा सुनो, फ्लेक्स ग्रोथ क्या करता है, मैं हटा रहा हूँ फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी, यहां पर से भी हटा दी और यहां से भी हटा दी और यहां से भी हटा दी। ठीक है, आपके पास तीन एलिमेंट है एक कंटेनर के अंदर, मैं चाह रहा हूँ तीनों जो है सेम विड्थ की हो गए। ठीक है, तीनों जो है सेम विड्थ की हो गए। उसके लिए आपको फ्लेक्स बॉक्स प्रोवाइड करता है एक प्रॉपर्टी विच इज फ्लेक्स ग्रो, जिसको आप वैल्यू दे सकते हो सिर्फ नंबर्स में, 1 2 3 4 5 जितना भी आपका दिल चाहता है। ठीक है, तो हमने सेम विड्थ की सेट करनी है और हमारे पास तीन ही एलिमेंट हैं, तो मैंने अगर तीनों को वन वन प्रॉपर्टी दे दी है तो उसने जो है मेरा जो एलिमेंट थे उनको सेट कर दिया सेम विड्थ के हिसाब से। अब अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे मेरा जो पहला सेक्शन है उसमें मेरे पास कंटेंट ज्यादा है, तो पहले वाले को मैं कर देता हूँ टू, तो उसने जो मेरा 2 और 3 था वो अब सेम विड्थ के हैं, जो पहला वाला था वो डबल विड्थ का है। इसको आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप उसको खुद सेट कर सकते हो। फ्लैश ग्रो क्लियर है, बाकी काम करते करते क्लियर होगा। सही है, बाकी काम करते करते क्लियर होगा। अच्छा, अब दोबारा आते हैं, फ्लैश ग्रो को भी मैंने हटा दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो मेरा हेडिंग 1 है वो मेरा लेफ्ट पे रहे, जो मेरा हेडिंग 3 है वो मेरा राइट पे रहे, और जो हेडिंग 2 है वो मेरा सेंटर में आ। ठीक है, वो मेरा सेंटर में आ। उसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी है, हमने कहाँ लगाया था, दिस वन विच इज जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। ये भाई आगे आगे सारे प्रॉपर्टी आप बहुत सारी बढ़ती जाएंगी और वो फिर काम करने से ही याद रहेगी कि मुझे अचानक से कैसे याद आ गई, ऐसा नहीं है, काम करने से याद रहेगी। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने उसको बता दिया, बल्कि 1 सेकेंड डबल जस्टिफाई कंटेंट मैंने याद रहता, और जितना भी कोड है ना उसको भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया है और डेव को रहने देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं इसको भी, और अंदर से जाकर ये जो H1 H2 ना दो हटा दिए, मेरे पास एक H2 है बस। ठीक है, बस एक H2 है, ताकि आसान रहे, मुझे लग रहा है थोड़ा सा मसला हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ इतना खास, लेकिन आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, एक H1 है बस, आसान लफ्जों में लेते। ठीक है, अब आता हूँ मैं कहाँ पर, एक डिव है और एक H2 है। H2 को क्या दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, बस ये दोनों चीजें दी गई, इनको बंद ही रहने देते। मैं एक इसको हाइट विड्थ सेट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हाइट इक्वल टू 50 VH और विड्थ के लिए 50%। ठीक है, मीटिंग खत्म।